हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सही होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो यार, जैसा कि आप लोगों को पता है, आज है शिवरात्रि और आज हम जा रहे हैं कपिलेश्वर मंदिर में। तो आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। और हमारे साथ हैं दीदी लोग, तो अरे हीरो आ गया है। काफ़ी देर वेट करने के बाद अभी पहुँच रहे हैं। तो चलते हैं यार, दिखाते हैं आप लोगों को। ये छुप रहे हैं। क्या क्या सोचा तूने? मैं प्याज वाला रोल खा दिया। सब लोगों ने तूने प्याज वाला रोल है, बहुत अच्छा किया। अच्छा, तो अभी हम पहुंच चुके हैं यहाँ पे। देखो नौला है। पावेस बलिया पानी, क्या किया तूने? भूख लग गई क्या आपको? नहीं। भावेश, हाथ में क्या है आपके? दिखाओ दिखाओ ना, अभी तो आप पहुंचे ही नहीं हो, अभी भूख लग गई आपको। तो देख सकते हैं अमरूद कितना बड़ा है। मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में इतना बड़ा अमरूद। अरे काट के भी लाई है, ये कटा हुआ था क्या? काट के भी लाई है ये। आप कहाँ से लेके आए? बहुत दूर से लेके आए क्या बब्बी जी? बहुत दूर से। कहाँ से मंगाया आपने? विकास भवन से मंगाया। हम नहीं खाते अभी, नहीं धन्यवाद। तो यहाँ से देख सकते हैं यार कितना अच्छा व्यू दिख रहा है पिथौरागढ़ शहर का। हिमालय भी दिख रहे हैं यहाँ से। ये कविता देवी पहुंच गए। बताओ ना, दज की याद आ रही है जाते हुए। अच्छा, दज का जैसे है क्या? सदर से जाते हुए है रास्ता ऐसा, अलीटा से तो नहीं है। तो आपको थकाई लग रही है या नहीं लग रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रही है। मजा रह जाते हैं। क्या कह लो? क्या कह लो? क्या कह लो? बता दो बता दो। खुश मामा हो गया। हाँ, और दंडी में किसको बांटते हैं? दंडी में किसको बांटते हैं? बस यहाँ पे काओ को। हम जागेश्वर गए थे ना एक बार बहुत पहले अम्मा के साथ। तो वहाँ पे क्या हुआ, अम्मा ने ना ऐसे पंडित को देने के लिए पैसे निकाल दी थी, उसके पर्स में सारे पैसे उड़ गए। जितने मांगने वाले थे सब ने उठा के भागे, अम्मा मेरे पैसे मेरे पैसे। फिर क्या, रहने दो तुम्हारे वेवल, मुझे क्या पड़ी है। फिर चाची का पर्स खोल के ला इसमें से निकाल के दे। मतलब कुल मिला के आपके अम्मा के सारे पैसे उड़ गए, वो भी 100-100 के नोट हुए कम जागेश्वर में। तो यहाँ आप मत उड़ा देना फिर। नहीं नहीं, लेके आ गए आप? कौन? फोन करो, नीचे पूछ जाएगा। आप लेके आ गए कच्चे? कहाँ से? कहाँ से लेके आए? कहाँ से लेके आए आप? जय हो, जय हो, जय हो, जय बोले, जय बोले। हमारा
तो काफ़ी देर से हम लोग लाइन में लगे हुए हैं और लाइन बढ़ती रह गई है, देख सकते हैं काफ़ी भीड़ बढ़ने लग गई है क्योंकि हम सुबह आ गए थे तो इतनी भीड़ थी नहीं। पूरे गेट तक भीड़ ही भीड़ हो गई है, भीड़ काफ़ी होगी बहुत ज़्यादा। हाँ पूरी गेट से बाहर, पहले तो गेट से भी बहुत आगे से थी लाइन, अब तो गेट से बाहर पहुँच गई है। आप कहाँ से हो? मैं आड़ेती। उड़ेती से हो? नहीं नहीं उड़ेती नहीं, से भाई लोग आए हैं हमारे पीछे। पक्का छुप कर रहे थे भाई। ये मेरे पार्टनर है, ये मेरे से आगे आगे थे। क्यों क्यों पार्टनर मेरे आगे आगे था ना तू? लकड़ा वाला तेल मत लगा के। देख सकते हैं काफी लंबी गुफा है और ये देखो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ से जाएंगे और इस साइड से आएंगे तो यहाँ से आ रहे हैं आंटी लोग। तो एकदम खड़ी सीढ़ियाँ हैं यहाँ पे, देख सकते हो छोटा सा बच्चा आ रहा है वहाँ से। ये है गुफा का रास्ता, हम पांच लोग के बीच में हम सच्चे भक्त हैं भाई, हमें पक्का। ये हमारा पार्टनर सच्चा भक्त है, हम बीच में नहीं घुसे। गुफा के अंदर देख सकते हैं काफी काफी भीड़ है। चलो चलो अरे हाँ तलो तलो जल्दी तलो। ये गुच्ची गुच्ची भैया है हमारे गुच्ची। ये आप देख सकते हैं बना चल 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 महादेव महादेव कर दो नीति अंधेरा हुआ क्या भाई? देख सकते हैं यहाँ भालू जैसा बन रखा है, प्राचीन गुफा है काफी और ये भालू के कान है। क्या हुआ क्या हुआ मेरे भाई छोटे भाई, क्या हो गया आपको? नहीं हो रहा, नहीं आ पा रहे क्या यहाँ से? आ रहा हूँ। ओहो देख सकते हैं गुफा काफी खतरनाक है यार। तो देख सकते हैं गुफा अंदर को भी है लेकिन हम इस रास्ते नहीं जाएंगे क्योंकि यार यहाँ आगे को पता नहीं अंधेरा अंधेरा है तो हमने जाना है यहाँ से नीचे को। सॉक्स जेब में रख लो, अंधेरे है फ्लैश लगा के आना कह रहा हूं भाई। बहुत ही सकरा है यार यहाँ। तेरी जेब में मेरे ऊपर मत गिरना छोटे, तुमने बेल्ट तो नहीं पहनी है ना भाई लोग? यार कैसे गए थे यहाँ? चलो तो चलो आप मैं लाता हूँ इनको टॉर्च दे दिला।
आराम से एक एक करके आओ, एक एक करके आओ, वहीं पे बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर उठोगे तो सर पे लगेगी, सर पे। हम तो ये इधर चलो, ऊपर को चलते रहो। भावेश निकल नहीं पा रहा कि क्या हुआ, फंस गया है गुफा में? अरे बब्बी दी, क्या हुआ, फंस गए क्या? मैं कहाँ फंसी, ये थोड़ा भावेश का था ना, ये खतरनाक टास्क है यार। भावेश आजा आजा आजा, हर हर महादेव, आखिरकार निकल गया भावेश गुफा से। आओ पीछे आओ, यहाँ से नीचे मुंडी को भावेश की डर मुझे। भावेश निकल गया तो कोई भी निकल सकता है। चलो भावेश आओ, पता नहीं चल रहा ना कैसे आऊंगा। बाय बाय बाय, ले गया ऊपर को, चलो चलो आप चलो। जल्दी निकल के आए यार, टैलेंटेड। तो यार देख सकते हैं भीड़ कितनी लग चुकी है, जब हम लोग आए थे इतनी भीड़ थी नहीं। तो हेलो हेलो, तो यार हम लोग आ चुके हैं अंदर पूजा करके, और काफ़ी भीड़ हो गई अभी सुबह, तो जिस समय हम लोग आए थे उसमें भीड़ थी नहीं यार, बहुत ही कम थी। आप देख सकते हैं पूरी भीड़ ही भीड़ है। बबी दी आज बड़े केले बांट रहे हो, क्या बात? तो यार अब चलते हैं मंदिर से नीचे को, और शायद दूसरे मंदिर में भी जाऊं या कहीं जाऊं तो आपको दिखाऊंगा आप आगे, और आप लोग ऐसे बने रहिए साथ में। लोग तो अभी भी देख सकते हैं, भीड़ अभी भी आते रह रही है, भीड़ बढ़ते रह रही है, और हम चलते हैं नीचे को यार। कैसे अभी आ रहे हो क्या? नहीं तो पहले आ गया था, कुछ जा रहे तू किसमें आया? बस आगे आ गया था, मैं जा रहा हूँ। चलते तो ऊपर कपिलेश्वर मंदिर के बाद हम लोग नीचे आ गए थे माँ भगवती के मंदिर में, और यहाँ पे पूजा पाठ करके तो अब नीचे को चलते हैं। तो रास्ते का दिखाता हूँ उनको, टम टम
तम तम, ये हमारा तम तम है। देख तो आओ मामा को देख। तम तम ये देख, ये हमारा तम तम। तो फिर से देख सकते हैं आप लोग क्या सुंदर नजारा है यार यहाँ का। यहाँ से भी थोड़ा घर अलग ही लगता है। यहाँ से भड़कटिया तक भी दिखता है। देखो आर्मी का इलाका, यह है आर्मी का बेस कैंप, वो वड्डा तक दिख रहा है यहाँ से। और ये देखो पूरा हिमालय साफ दिख रहा है। देखो पंचाचूली भी दिख रही है यहाँ से, यह है पंचाचूली। चुके हैं कविता दी के घर। भाविस कैसा लग रहा है फिर तेरे को यहाँ कविता दी के घर आके, बताओ कैसा? मजा आ रहा है? कहाँ से आ रहे हो? है क्या ये? अपना बैग दिखा रहे हैं। ये तो मेरा है बैग। बॉल कहाँ है? बॉल तो खो गई। खो गई? चारपाई के नीचे। ओह हो, चारपाई के नीचे निकालने क्या? आप नहीं घुसते क्या चारपाई के नीचे? मैं तो घुसता है। बैग घुसता है? बैग घुसता है, घुस जाता है बैग। आप नहीं घुसते हो? तो यहाँ पे सांप देख सकते हैं आप लोग यार। ये लग रहे हैं मैं। लग रहे हैं? ओ तब ना मालूम रहे हैं। चलिए कुत्ते रख दिए उन्होंने। तो जी चलते हैं फिर हम। ठीक है भाई। आप बैठे बैठना। पक्का आना। ओके बाय। बाय। तो कविता दी का घर यही था, तो अब हम यहाँ से आगे को चलते हैं। अब तो आगे को जाके दिखाता हूँ आप लोगों को। गए हैं पल्लू लोग। ये चोटी और दिखाता हूँ आप लोगों को। कौन मिल गए हमें? ये देखो काजल, काजल ये देखो काजल, काजल भी दिख गई। और ये कौन दिखा हुए? आ गए इतनी जल्दी। हेलो, क्या कह रहे हो आप? ग्वाला आए हो क्या आप? अच्छा, इन्हें ग्वाला लगा रखे हैं। चलो यार बुला रहे हैं, आप तो आ गए हो जाके। आ रहे हो, चलो ना दोबारा। देखो ना मैं सुब्रत भाई मिल चुके हैं यहाँ पे। सुब्रत भाई हेलो। हेलो हेलो कमलेश भाई। तो सुब्रत भाई कहाँ से आ रहे हो? मेले से। अच्छा अच्छा, सीधा देवल गए थे आप? अरे यही सीधा देवल। अच्छा अच्छा, तो हम भी जा रहे हैं यार सीधा देवल। अरे बहुत बढ़िया बात। मिलते हैं आपसे। चलो ओके, हाँ बाय बाय। पहुंच चुका हूँ सिरा देवल मंदिर के पास, देख सकते हो। काफी भीड़ है यहाँ, और एक बार मंदिर में जाते हैं फिर दिखाता हूँ आप लोगों को आगे।
कैसे है अगला? वो क्या आ गया? हाँ तो मतलब हम जाके पहुंच गए हैं सिराजवल मंदिर। भाई मिल चुका है मुझे, मैं खो गया था मेले में। अच्छा। अभी अभी मिला हूँ, अब मैं घर को जा रहा हूँ। मुझे मेरा मेरे पार्टनर मिल चुके हैं यार, देखो क्यों पार्टनर पार्टनर बहुत दूर से आए हैं यार, लिंक रोड से एक पार्टनर और मिला है। पार्टनर एक पार्टनर है, तो पार्टनर जो है मेरे, इन लोगों ने यहाँ पर दुकान लगाई हुई है देखो। अब ये मेरे से बोल रहे हैं ट्रैक्टर ले जा, ट्रैक्टर में बैठ के जाओ करके। क्यों कमांडर में जाओ या ट्रैक्टर में जाओ बता? ट्रैक्टर। हाँ ट्रैक्टर। और ये भाई के पास फूकने वाला भी इतना भयंकर है, क्या नाम है तेरा? नमित। नमित, पूरा नाम बता। नमित मेहर। नमित मेहर। तो यार फाइनली हम लोग आ चुके हैं नीचे मंदिर से ऊपर को, अब चलते हैं हम लोग घर को। बाकी देखो बब्बी दी बहुत मजा आया आज हमें कम्बू के साथ। पहले हम कपिलेश्वर गए, वहाँ से हम यहाँ पे आ गए, अब हम यहाँ से घर को जा रहे हैं। बहुत मजे आया आज, बहुत ज़्यादा, और थकान भी नहीं है ना, भूख लगी है। तो आप लोग बताएं कैसा लगा आज का ब्लॉग, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।